लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुकना बेटे, बता सकते हो ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली कहाँ है? पीछे पीछे। झूठ क्यों बोलता है, यहीं तो रहते हैं ये। कौन है बाबा? लड़की, आवाज भी मीठी है। चारों तरफ तो पर्दा है यार। बाबा, रास्ते में कोई मंदिर हो तो रोक देना, मैं दर्शन करूंगी। अच्छा बेटी, मंदिर? आवाज की तरह हाथ कितने सुंदर है, पांव तो और सुंदर है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, जमीन मैली हो जाएगी। अरे यहां से तो चेहरा दिखाई नहीं दिया, चल उधर से देखते। अरे यार, ये बुड्ढा खुसट बार बार बीच में क्यों आ रहा है? अरे यार, ये बाल क्यों सामने आ रहे हैं? बाल है ना, तभी तो सामने आ रहे हैं। हाँ। लगता है मंदिर में जा रहे हैं। चल हम लोग पीछे से जाते हैं। चल चल। किसके नाम का अभिषेक कराना है आपको? जानकी। जानकी, कितना प्यारा नाम है। आइए अंदर आइए। अरे पंडित जी, थोड़ा दाएं, थोड़ा। एक हाथ दिखाई दे रही है। अरे फिर सर झुका लिया। हाँ, फिर दिखाई दे रही है। अरे पंडित जी, थोड़ा तो। प्रसाद। हाँ समझ रखा है क्या? आपकी आवाज तो मीठी है ही, आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है। सरकार, सरकार, बताइए, बताइए सरकार, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। सरकार, ये परेशानी उन छोकरों ने कर रखी है मेरी। छोकरों ने? किन छोकरों ने? क्या ने दीजिए सरकार? बात तो ये है कि हमारी गाय ने आज दूध नहीं दिया। तो मैं काले को बुलाने चला गया था, इतने में मैंने आपको देखा तो मैं भागता हुआ चला है। ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? चढ़ा रखी है क्या? रखी कहाँ है सरकार, जो मैं चढ़ाऊंगा? सरकार सुनिए, सुनिए सरकार। भगवान, ये शैतान से मेरी बच्ची को बचा लेना। अरे देखने में तो तुम स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो।
लेकिन तुम्हें जीने का तरीका नहीं आता। ना हंसी, ना खुशी, ना बनाओ, ना सिंगार, हा? किस चीज की कमी है तुम्हें? किस बात का दुख है, हा? नहीं, आप मेरे नजदीक मत आइए। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपकी बेटी समान हूँ। बेटी समान हो मगर बेटी तो नहीं हो ना। और रही दया की बात, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जगह दे रहा हूँ। इससे बड़ी दया की बात और क्या हो सकती है? वैसे भी सारा गांव जानता है कि इस हवेली में सिर्फ मेरी रखेल रखी जाती है। लोग तुम्हें भी वही कहेंगे। था तुझे एक कली से फूल बनाने के लिए, लेकिन तेरी आंखों की बरसात ने मेरी चाहत की आग ठंडी कर दी। जान, समझाओ इस नादान लौंडिया को, बताओ इसको इसकी हैसियत क्या है। मुझे इस हवेली में सिसकती हुई लाश नहीं, थिरकती हुई रखेल चाहिए, रखेल। बस बेटी, बस। बाबा, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? अरे पगली, ए, भगवान तो उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनमें परीक्षा देने की शक्ति होती है। हाँ, तू चिंता मत कर, मत कर चिंता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अबे ओ, क्या सोच रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि यह तालाब मेरे नाम पर हो जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊं। चल, तेरे नाम पे कर दिया, अब क्या करेगा? मैं इसके अंदर एक कमरा बनाऊंगा। कमरा बनाएगा तालाब के अंदर? यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए अक्ल चाहिए ना। एक घर, अरे जब गांव की छोरियां इसमें नहाने आएंगी ना, हाँ। मैं उनके साथ डुबकी लगाऊंगा। अबे जूते पड़ेंगे, जूते तो मैं कमरे में घुस जाऊंगा। तो जा, घुस जा। नमस्ते मैन साहब। नमस्ते। वाह, आप ऐसी बातें करती हैं जैसे लगता है फूल बरस रहे हो। मैं कन्हैया, आप मेरे बारे में जानती है ना? नहीं जानती, जानेंगी भी कैसे? आप पहली बार नई नई गांव में आई है ना? वैसे हम दोनों बहुत मशहूर हैं। ये भोला मेरा यार। मैम साहब, ये सामान कहाँ उतारूं? यहीं कहीं रख दो। पहले बता देती तो सीधा खड़ा हो जाता। मैम साहब, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अरे इसे तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, रहने दो। ये लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, है ना? जी हाँ, यही बात है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो ठीक है, मैं एक पहेली बुझाती हूँ, अगर बता दिया तो खुद ही समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। बुझाऊं पहेली? पूछोगे? जरूर बुझेंगे, इस गांव में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है भी नहीं। अच्छा, तीन और तीन को जोड़ो तो 30, अगर हिसाब गलत निकले तो बाकी मेरा। बहुत आसान है, 3 और 3 30। नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर ये 3 योग्य। इतनी जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच समझ लो, जब सही जवाब मिल जाए तब आ जाना। नमस्ते। हाँ, अब चलो। नमस्ते। ना जाने कहाँ से। ये भोला, ये 3 और 3 30 कैसे होता है यार? अरे सब मुझे मालूम है, तू चल, मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ, आ जा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 और 3 मिल गया, पहेली का जवाब मिल गया। मिल गया तो फिर बताना। ऐसे थोड़ा बताऊंगा, पहले मेरे पैर दबा, मेरी खातिर कर। देख, वैसे भी उम्र में तुझसे बड़ा हूं। ठीक है, अब बता। 3 और 3। हाँ बोला। 3 और 3 हाँ। 6 होते हैं। 6। अबे अक्कल के सांड, कन्हैया इतना बुद्धू थोड़ी है। ये तो मुझे भी मालूम है कि 3 और 3 6 होते। अगर 3 और 3 6 ही होते
तो मेम साहब ये पहले क्यों बुझाती? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। चड्डी, क्या चड्डी चड्डी कर रहा है यार? वो सामने देख, चड्डू उतारने वाली आ रही है। आज डरने की बात नहीं है, हम लोग पानी में थोड़ी है। एक काम करते, ये पढ़ी लिखी है, ये जवाब दे पाएगी। चल चल चल, पूछते। चल चंचल जी, चंचल जी नमस्कार। अरे बहुत खुश हो, क्या बात है? आपको जब भी देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। क्या है, आप तो आसमान की कबूतरी। एक कबूतरी नहीं, परी है। आज बहुत मक्खन लगा रहा है, क्या बात है? मेम साहब, आज कन्हैया बड़े कष्ट में है। कन्हैया के सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो पत्थर निकाल दो ना ऊपर से। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। मेम साहब एक पहेली बुझाएंगी? ये तीन में तीन मिलाओ तो कितने होते हैं? बताऊं? बताओ ना बच्चा। ये घड़ा ले, 30 घड़े पानी भरकर भगवान जी के सर पे चढ़ा दे, जवाब मिल जाएगा। यार बोल जोड़ीदार, शुरू हो जाए। जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं। लो कर लो बात, मैं तो पहले ही पहली में उलझा हुआ था, आपने तो दूसरी पहली सुनाकर मुझे और उलझा दिया। मैं खुद उलझनों में उलझी एक अनाथ लड़की हूँ। जी, फिर वो दयाल काका आपके पिता नहीं है? वो मेरे पिता है और पिता की तरह भी। अच्छा अच्छा, पिता है पिता की तरह। मैम साहब, आपकी ये गोलमोल बातें मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, आप इस लोक की नहीं पर लोक से उतरी हुई कोई महान हस्ती हैं। मैं कोई महान हस्ती नहीं, बेबसी की डोर से बंधी हुई एक कठपुतली हूं। आप कठपुतली है? मुझे कठपुतली का नाच बहुत अच्छा लगता है। आप नाचिए, मैं भी आपके साथ नाचूंगा। राजा के चले चले
बेटी। अरे बाबा, ये देखिए तो कठपुतली का लाज कर रहा है। हंस बेटी हंस। अरे बेटे, इतने सालों के बाद मैं इसे हंसते हुए देख रहा हूँ। मैं हंस बेटी हंस। तू बिल्कुल बुद्धू है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटे तू खुश रह। परसों के बाद में तो मेरी बेटी हंसी है। तू आबाद रह बेटे, आबाद रह।